वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने इसमें आप लोगों को एक मेथड तो करा दिया फ्रॉम एल्कीन, ओके। इसके बाद मैं सेकेंड मेथड लेके चला फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, तो फर्स्ट इसमें भी दो पार्ट हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके। फर्स्ट स्टडी बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, by reduction of aldehydes and ketones, right? By the reduction of aldehydes and ketones. अब एक बार देखिएगा, मैंने जैसे aldehyde लिया RCHO, aldehyde है भाई, जैसे CHO को पता है aldehyde होता है। अब मैं इस aldehyde का reduction करा रहा हूं, कहने का मतलब इसमें मैं hydrogen add कर रहा हूं। इन दी प्रेजेंस चाहे तो निकल कैटलिस्ट ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो, राइट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन। ऐसी मैं यदि यहां पर देखो, इसके बाद मैंने यहां पर ऐसे में कीटोन ले सकता हूं, कीटोन मैंने ली आर सी टर्बोन ओ और दोगे आर। मैं इसमें हाइड्रोजन एड कर रहा हूं, इन दी प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम और प्लेडियम, कुछ भी ले लीजिएगा कोई सा भी एक कैटलिस्ट, मैंने तीनों लिख दिए हैं। अब यहां से कीटोन से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, राइट। देखो एक बॉन्ड ब्रेक होकर एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, ये बना मेरा प्राइमरी एल्कोहल, ये बना मेरा सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखना यदि मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन, देखना इन दी प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAl4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में का, देखना ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। मैं इनकी केमिकल रिएक्शन को ओपन करके यहां पर शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन यदि मैं इस कंपाउंड की इस कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन शो करूं तो 10 से 12 स्टेप में, जो हमारे यहां बुक में नहीं है। प्रदीप में भी एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है कीटोन की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं, बस इतना मतलब समझिएगा। अब देखना ये आपका एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, एल्डिहाइड से एल्कोहल। अब ऐसे ही यदि मैं कीटोन ले लू आर C-O-R, तो इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये क्या यहां पर ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, राइट। आर एच और ये आपका ओ एच और ये आर, ठीक है। तो देखो चाहे तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर दो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में इनका रिडक्शन करा दो, नोट इट डाउन, बी फास्ट। अब इसे वन पार्ट हुआ है, वन पार्ट अभी इसका बाकी है, जल्दी से करें। हां अब इसके बाद ओके बी फास्ट बेटा, अब इसके बाद बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, देखिएगा सेकेंड पार्ट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ओके। नेक्स्ट स्टार्टिंग डालिएगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड सॉरी बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड सॉरी बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, देखो क्लियर। अब देखना बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया COOH, देखना इसका रिडक्शन कराने में रहेंगे और किसी, देखो आपको एक कॉमन रिएक्शन याद रखनी है, अभी मैं इसके बाद लिखाऊंगा, ठीक है। और देखो यहां पर हां देखो, जैसे पहले में इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में और उसके बाद वोटन,
देखो डायरेक्ट दो स्टेप में रिएक्शन होगी। देखो ये मैकेनिज्म होती है, कोई छोटी मोटी रिएक्शन नहीं होती है बेटा, लेकिन यहां पर शॉर्ट में है ना हमारे सिलेबस में, ठीक है, पूरा ओपन करके यहां पर मैकेनिज्म नहीं है। ओनली इस चैप्टर में थ्री मैकेनिज्म है, एक तो यानी एल्कीन से एल्कोहल में, दूसरा एल्कोहल से एल्कीन में, और तीसरा एल्कोहल से हमारा इथर, ठीक है। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा CH2OH। अब आप कहोगे जी ऐसा कैसे हुआ बेटा, ये मैकेनिज्म है, ये आपको एसिड समझ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं एक कॉमन रिएक्शन दिखाऊंगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगभग कई सारी केमिकल रिएक्शन याद हो जाएंगी जस्ट इसके बाद, ठीक है। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, भाई देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को ये होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर ये एल्कोहल बन जाता है। अब दूसरा ईस्टर, अब देखना पहले मैं ईस्टर बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखो एल्कोहल के साथ करा दू, एल्कोहल के साथ RSOH इन दी प्रेजेंस ऑफ एच एन मतलब एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, माइनस का H2O। अब यहां पर क्या देखो, ये होता है ईस्टर COOR, देखो यहां से OH, यहां से H, H2O निकला और OH की जगह OR यहां पर आ गया, ये क्या ईस्टर, ठीक है। अब ईस्टर का रिडक्शन कराएंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। देखो हाइड्रोजन ऐड करेंगे H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है कॉपर क्रोमेट, कॉपर क्रोमेट, कॉपर क्रोमेट क्या है कैटलिस्ट है ये। ओके मैंने कैटलिस्ट का नाम लिख दिया है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। अब देखना ये अब क्या हुआ, देखो यहां से ब्रेक कर लो, यहां से इसे लो ना RCH2OH, देखो RCH2OH इससे RSOH प्लस RSOH, देखना एक तो मैंने एल्कोहल बना दिया इससे और दूसरा बना दिया इससे, तो CH2OH RSO के साथ, ठीक है, ये एल्कोहल बन गया। बी फास्ट नोट इट डाउन, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अब मैं यहां पर एक कॉमन रिएक्शन आप लोगों को लिखाने जा रहा हूं जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। बी फास्ट बेटा, अब इसके बाद देखो नोट करके आप लिख लेंगे इस बात को, देखिएगा नोट करके इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, NOTE नोट। देखो यदि मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो बनता है एल्डिहाइड, यदि मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। यदि आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, CrO3 है, PCC, ये सभी आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया है बेटा। यदि मैं वीक की प्रेजेंस में कराऊंगा तो एल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, राइट। यदि मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराऊं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है, देखो एल्केलाइन KNO4, एल्केलाइन ले लो, ठीक है, एल्केलाइन या एसिडिफाइड, चलो एल्केलाइन KNO4 या एसिडिफाइड KNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2 7, K2Cr2O7 बेटा ये कई सारे हैं लेकिन मैंने शॉर्ट में देखिए दो मेन लिख दिए हैं आप लोग इस तरह से। यदि आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो डायरेक्ट एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यदि आप कराओगे रिडक्शन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो एल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनेगा, क्लियर। अब यदि मैं जस्ट इनके अपोजिट चलता हूं, अपोजिट यदि मैं देखो अपोजिट रिडक्शन
रिडक्शन करा रहा हूं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल, ठीक है। ये कॉमन रिएक्शन है, आप लोग इसे नोट कर लें। ओके अब इसके बाद हां अब इसके बाद भाई देखो प्री प्रेशर ऑफ एल्कोहल आपके दो हो गए, एक तो फ्रॉम एल्कीन, दूसरा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड और तीसरा है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिएगा हां फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेटा तीन केमिकल रिएक्शन दिखाऊंगा यहां पर, एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है। तीन केमिकल रिएक्शन, देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, आर एम जी एक्स, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। देखो सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन यदि मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करूं, ठीक है। देखो और देखो यह रिएक्शन ड्राई एथर की प्रेजेंस में होती है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब भी यूज करो ड्राई एथर मत देखो चाहिए। देखो जब मैं इस एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करूं तो देखो मैंने बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड है एच सी एच ओ, मैंने इस एच को नीचे लगा दिया थोड़ा, है ना, बात तो वही है। देखो एक बॉन्ड ब्रेक होकर ये आर तो कार्बन के साथ जाएगा एमजीएक्स ऑक्सीजन के पास, देखो आर सी देखो ओ एम जी एक्स, एक एच इधर आ गया एक एच इधर, देखो एक बस आर यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन से एमजीएक्स ऑक्सीजन से, लेकिन चलो ये भी लिख रहा ड्राई इथर की प्रेजेंस, ठीक है ड्राई इथर की प्रेजेंस, ये भी लिख दो कोई बात नहीं, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लिखा हुआ लेकिन आप लोग लिख दीजिए। फिर मैं इसकी रिएक्शन जैसे वोटर के साथ कराता हूं एच टू ओ, बेटा ये यहां से ब्रेक होगा, देखो यहां से हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन के पास जाएगा तो आर सी देखो सी एच एच ये दोनों हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है, और ओ एच देखो यहां से एच निकलकर यहां पर चला जाएगा ओ एच प्लस ओ एच निकलकर वोटर से एम जी के साथ, भाई एम जी से आपका हाइड्रोजन भी है और एम जी से आपका ओ एच भी जाएगा यहां से निकल कर ये ओ एच, ठीक है। ये क्या होंगे आर सी एच टू ओ एच प्राइमरी एल्कोहल मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड क्लियर। देखो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, ये आप इस बात से समझ सकते हो, देखो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, एक दोनों तरफ एच लगा दिया फॉर्मेल्डिहाइड, एक तरफ आर और एक तरफ एच लगा दिया एल्डिहाइड है, ठीक है। तो मैं ये ले रहा हूं एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, जब मैं इस एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करा रहा हूं आर एम जी एक्स, देखो ये सेम इसी की कॉपी है जैसे जो काम इसमें हुआ है ड्राई इथर की प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में देखो सेम यहां ब्रेक होकर आर के सी के पास जाएगा और एम जी एक्स ऑक्सीजन के पास, ये लो आर सी ओ एम जी एक्स एच आर, चाहो तो ये आर आप इसका नाम आर डैस लो, तुम्हारी इच्छा है जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है। आर डैस यहां पर आ गया एम जी एक्स ऑक्सीजन के पास, जैसे आर यहां पर कार्बन के पास एम जी एक्स ऑक्सीजन के पास, राइट। अब मैं इसकी रिएक्शन फिर वोटर के साथ कर रहा हूं एच टू ओ, अब देख रहे यहां से ब्रेक होगा एच जाएगा ऑक्सीजन के पास तो क्या बनेगा आर सी देखो आर एस एच और ये क्या ओ एच प्लस यहां से देखो वोट से एच निकलकर ऑक्सीजन के पास चला गया और ओ एच निकलकर एम जी के साथ एम जी ओ एच एच, बेटा कौन सा ओ एच कंटेनिंग कार्बन अदर टू कार्बन एटम से कनेक्ट है, यह आपका सेकेंडरी एल्कोहल है या आपका प्राइमरी एल्कोहल, याद रखिएगा जब आप फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन सॉरी एल्डिहाइड रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे सेकेंडरी एल्कोहल, और जब आप कीटोन की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे तो टर्शियरी एल्कोहल, देखिए हाँ ये कीटोन है, अब मैं इस कीटोन की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ आर एम जी एक्स, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ड्राई इथर की प्रेजेंस में जो यहां से ब्रेक होगा एक बॉन्ड ब्रेक होगा आर कार्बन से एम जी एक्स ऑक्सीजन से तो आर सी आर आर ओ एम जी एक्स,
ठीक है, चाहो तो इसे आर डैश कह दिए, यहां पर सेम तुम्हारी इच्छा है, चाहे हर जगह आपको सेम रहने दो या डिफरेंट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? कभी आप परेशान हो जाओ, आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर डैश कार्बन पर आ गया, MgX ऑक्सीजन पर। अब वॉटर की प्रेजेंस में H2O, देखो ये यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकल कर ऑक्सीजन के पास और OH Mg के साथ, तो देखो R C R R O H प्लस Mg OH X। बेटा एक जब मैंने RS माना तो ये R की से RS ऊपर दो, चाहे R रहने देते। देखो ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल, याद रखिएगा ओके अब इसके बाद मैं लेकर चलूंगा प्रीपरेशन ऑफ फिनोल। देखना ये मेरा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है, प्रीपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसके बाद प्रीपरेशन ऑफ फिनोल, देखो एल्कोहल की प्रीपरेशन कंप्लीट, फिनोल की स्टार्ट। तो लेट नाउ स्टार्ट प्रीपरेशन ऑफ फिनोल, प्रीपरेशन ऑफ फिनोल। हां देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ओके। तो बेटा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलूंगा अपने न्यू टॉपिक को, ओके न्यू वीडियो के साथ। इतने वर्क को कंप्लीट करें, जो भी कोई डाउट है आप जूम क्लास में डिस्कस करते रहिएगा। ओके ओके क्लास।